कार्ट रोड स्थित अमायरा गेटवे होटल को आज नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ होटल को सील करने पहुंची तो हड़कंप मच गया। होटल को सील होता देखकर होटल स्वामी ने आनंद फानंद में 40 लाख जमा किए और 60 लाख लगभग शेष जमा जल्द करने का आश्वासन टीम को दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक होटल पर कई वर्षों से टैक्स का 1 करोड़ लगभग बकाया था। नोटिस भेजने के बावजूद होटल स्वामी ने टैक्स को जमा करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे ही आज नगर निगम की टीम होटल पर फोर्स के साथ पहुंची तो होटल स्वामी ने आनंद फानंद में 40 लाख का पार्ट पेमेंट जमा कर दिया, जिसको लेकर होटल के भीतर टीम और होटल प्रशासन के बीच कुछ देर तक माहौल गर्म होता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर टीम ने अमतुल्स अस्पताल को करीब 47 लाख रुपए का टैक्स बकाया होने पर सील कर दिया और वहां मौजूद डॉक्टर के वाहन को भी जंजीरों से कैद कर दिया ताकि वाहन की सेवाएं अस्पताल स्वामी न ले सके। इसके अतिरिक्त टीम ने शहर के कई बड़े टैक्स बकायेदारों को चेतावनी देने की बात कही। निगम अफसरों का दो टुक कहना है कि 31 मार्च से पहले सभी बकायेदार अपना टैक्स जमा करा दें, वरना उनके खिलाफ भी सील अभियान की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, राजस्व वसूली का बहुत दबाव है और हमारा कर्तव्य भी है, हमें इसको पूरा करना है। हम दो जगह पर आज हमने वसूली की कार्रवाई की, जिसके साथ में मैं स्वयं, मेरे साथ में मुख्य अधिकारी CKN महोदय, संबंधित KNA, संबंधित TS, RI, पूरी टीम, दो स्थान जहाँ पर बहुत बड़ा बकाया था, अनेक बार कहने के बावजूद वो टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। हमारा होटल कांट रोड पे, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपये बकाया था कई वर्षों से, अनेक प्रयास करने के उपरांत भी जमा नहीं कर रहे थे, डिफॉल्टर थे। आज सबसे पहले वहाँ हमने छापेमारी की कार्रवाई की, उनसे कहा कि टैक्स जमा करें। टैक्स जमा ना करने की स्थिति में उनका परिवार से सील करने की कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने पार्ट पेमेंट के रूप में 40 लाख रुपये जमा किया है, जो कि उपलब्धि है। हमारी टीम ने पूरा प्रयास करके इस कार्य को पूरा किया है। दूसरा स्थान अमतुल हॉस्पिटल, जहाँ पे लगभग 47 लाख कई वर्ष से बकाया था, उसको जमा करने की कार्रवाई की जा रही थी, नहीं किया तो अंतिम हथियार के रूप में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनको आज तक का समय देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है, यदि वो नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में टैक्स के टारगेट को पूरा करना है। टैक्स एक मुख्य घटक के रूप में है, जिससे शहर का विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है और शासन की प्राथमिकता भी। दूसरा स्थान पर मैंने पाया कि अस्पताल स्वामी ने, जिनके पीछे एक स्कूल भी है, सरकारी सड़क को घेर कर अतिक्रमण कर रखा है। इस समय अतिक्रमण के खिलाफ हमारी प्रदेश सरकार की बहुत ही स्पष्ट नीति है, किसी भी दशा में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने इनको चेतावनी दी है, मैं JCB बुलडोजर यहाँ भेज रहा हूँ, वो ध्वस्त किया जाएगा और जो नियमानुसार समन शुल्क होगा, कंपाउंडिंग फीस भी जमा कराई जाएगी। किसी को भी अतिक्रमण करने की कोई छूट नहीं रहेगी, ये स्पष्ट संदेश मेरी तरफ से है। देखिए, अभी 31 मार्च क्लोजिंग है, हमको पूरा करना है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो निर्धारित लक्ष्य है हम उसको पूरा करेंगे। हमारी पूरी टीम निरंतर कार्य कर रही है, हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्लानिंग के साथ कार्य कर रहे हैं। किसी भी दशा में राजस्व लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। उनसे अपील ये है कि वो स्वयं ऑफिस में आके जमा करें, अपने संसाधन से किसी और माध्यम से जाके जमा करें, लेकिन समय अंतर्गत टैक्स को जमा कर दें, जिससे उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की